गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं फाइनली साइट पे। गाड़ी की हालत तो देख ही सकते हो कितनी गंदी हो गई है। मैंने मतलब बंदा आ ही नहीं रहा यार, धोने वाला किधर गायब हो गया पता नहीं। दो दिन से इसी तबीयत की बैंड बजी पड़ी थी ना मेरी। अभी पिछला वीडियो क्लिप तो आपने देख ही होगा, 102 तक बुखार चला गया था। ठीक है यार, अभी क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ, 10:30 बज रहे हैं अभी। साइट पर थोड़ा लेट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऑफिस का काम था घर पे, वो थोड़ा फाइनलाइज किया, उसके बाद में अभी निकला घर से। अभी ऑफिस जाके वापस मुझे शायद से घर पे आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। और कल हम वापस जा रहे हैं अपने दूसरे साइट पे दूसरे काम से। और धूप तो इतनी भयंकर पड़ रही ना भाई साहब, भयंकर मतलब खतरनाक वाली धूप गिर रही है अभी तो। अरे यारिस इतनी हालत ख़राब हो गई ना धूप की वजह से तो पूछो मत। मतलब लिटरली खुद को हाइड्रेट रखना तक मुश्किल हो गया है, इतना भयंकर वाला धूप गिर रहा है अभी। मैं तो अंदर से ऐसा मुझे कभी कभी तो लगने लगा है ना कि अंदर से जल रहा है लिटरली मेरा। क्या क्या जल रहा है वो मत पूछना, बट जल रहा है अंदर से। और हमारा जो टॉप बॉक्स है ना ASG का, उसके ऊपर जो ASG का ऐसा ब्रांडिंग आता है एक जेल की तरह, जो उसका ऊपर लेयर होता है, लिटरली वो गर्म होकर सब फूक गया है। इतना गर्मी गिर रहा है यार, क्या बोले अभी। और ऊपर से अपना बाइक तो पूरा ब्लैक एंड ब्लैक है तो और ज़्यादा तकलीफ है। पर ठीक है, अभी क्या कर सकते, होता है ऐसा कभी कभी तो सहना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। बॉक्स खाली है अपना, कुछ है नहीं बॉक्स के अंदर। मैं जैकेट भी पहना नहीं आ रहा था, मैं गर्मी की वजह से मैंने अवॉइड कर दिया। बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ठीक है, अभी चलता है क्या कर सकते। मेरा मुंह तो इतना सूज गया था ना, ये जो बीमार पड़ा उस टाइम पे बॉडी पेन और हेडेक इतना हो रहा था भयंकर वाला, तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा कि बाद में, बट ठीक है, दवाई वगैरह लिया, ओके हो गए थे हम। आज भी है थोड़ा बहुत हेडेक, बट ठीक है उतना चलता है। मेरा आँख दुख रहा है पता नहीं क्यों, उस दिन भी दुख रहा था आज भी दुख रहा है। चलो भाई साहब हम लोग निकल गए अभी, अभी बज रहे लगभग 6 ना, थोड़ा जल्दी निकला साइड से, अभी स्टैंड निकलना भूल गया क्योंकि मुझे जाना है अभी पनवेल वही साइड के काम से। तो अभी जा रहा हूँ, पहले पनवेल जाएंगे, पनवेल से फिर ऐरोली आना है और कल फिर लोअर पनवेल जाना है। लंबा सफ़र तय करना है हमें, आज का 60 कल का 70 किलोमीटर होगा और कल का लगभग 60 किलोमीटर होगा, शायद से ज़्यादा भी होगा पता नहीं। अगर वहाँ से डायरेक्ट साइट आना पड़ा तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है क्या लगता है। इच्छा नहीं हो रही थी, मैं दोपहर में ही निकलने वाला था, बट बाद में सोचा कि जाने दो यार, आराम से शाम में जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ ट्रेन में भी जा सकता हूँ लेकिन आने के लिए मुझे लेट होने वाला है, इसलिए मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। अभी ट्रैफिक भयंकर वाला मिलने वाला है, वहाँ बोट लेके जा रहा है भाई साहब। मैंने अभी थोड़ा सा, मेरा आपको है ना हाइट में थोड़ा फ़र्क दिख रहा होगा शायद से, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा हाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना सीट पे कुशन रखा है एयर कुशन और उसके ऊपर बैठ के फिर गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि बम चिकी चिकी बम नहीं करनी है मुझे, इतना लंबा जाना है और उसमें अंदर में अगर बम की वाट लग गई तो फिर कोई मतलब नहीं। पर मैं इसकी आदत डाल रहा हूँ अभी क्योंकि इतने दिनों से मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा था, जस्ट रीज़न कि उसकी आदत नहीं थी। और वो थोड़ा सा ना ऐसा अनबैलेंस होता है जब आप इधर उधर होते हो ना पैर, या फिर नीचे रखते हो एक सिंगल पैर, जब आप नीचे रखते हो तो वो पूरा एक साइड में चला जाता है, तो ठीक है वो होना नॉर्मल है, बट उसकी आदत एक बार हो गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मेरे को जाना था ब्रिज के ऊपर से बट मैं नीचे से निकल आया क्योंकि ओवरटेक करने के टाइम पर थोड़ा सा गफलत हो गई थी, बट ठीक है चलता है क्या कर सकते हैं। अभी रुक रुक के जाना पड़ेगा, अभी ब्रिज तो वैसे भी ख़त्म हो गया, लास्ट का सिग्नल है, दो सिग्नल एक्स्ट्रा लग गए हमें, चलता है। और ऐसे ऐसे नगीने देखने को मिल रहे ना, ये देखो डिलीवरी वाला बिना हेलमेट भाई साहब, और ये होंडा शाइन वाला खाली फुकट भगा रहा है यार मतलब क्या बोले इसको, अभी बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी, छोड़ो। ये देखो विदाउट हेलमेट, वो भी कान में हेडफोन। लगभग अभी कामोटे पहुंच गया हूँ, एक्चुअली मैं पनवेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कामोटे में जा रहा हूँ, कामोटे एरिया में। सो बहुत पुराना एरिया है मेरा, मैं स्टार्टिंग में जब मुंबई में अभी रिसेंटली जब आया था 2021 में, उस टाइम पे मैं कामोटे एरिया में ही रहता था, तो
बहुत दिन निकाले वहाँ पे भी, मतलब कम से कम 6-7 महीने से ज़्यादा ही, हाँ उससे ज़्यादा ही निकाले मैंने। तो बहुत दिनों के बाद वो एरिया में जा रहा हूँ, तो जाते ही पहले ना भाई साहब अपनी फेवरेट वाली कचौड़ी खाएंगे। शेगाव कचौड़ी वहाँ की बहुत फेमस है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो जाते ही पहले वो खाएंगे। अभी ये जो टोल नाका है ना, टोल नाका क्रॉस करते ही वहाँ से एक ब्रिज के नीचे से राइट टर्न है जो कामोटे के अंदर जाता है, ये कामोटे एरिया है पूरा का पूरा। तो चलो पहले वहाँ पे चलते हैं, पहले नाश्ता वगैरह करते फिर जाएंगे अपने काम के लिए। तब तक जिस बंदे को मिलने जा रहा हूँ वो बंदा भी फ्री हो जाएगा तो सही है, हेडेक नहीं रहेगा फिर उसको भी, उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा और वो बंदे को भी बर्डन नहीं रहेगा कि हाँ भाई मेरे लिए आके रुका है करके। जस्ट अभी कामोटे से निकल रहा हूँ, अपना काम हो गया, हार्डली 10-15 मिनट का काम था अपना, बस उसके लिए इतना लंबा आना पड़ा। अभी वापस सुबह यहाँ पे आना है, यहाँ से फिर वापस लोअर परेल जाना है। बाप रे बाप, हालत ख़राब होने वाला है कल तो मेरा। ठीक है सुबह थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ताकि ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सुबह जल्दी आ के देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। अभी तो पहले घर पहुँचते, अभी घर पहुँचने में कितना टाइम जाएगा पता नहीं। फाइनली यार ऐरोली पहुँच गए, अभी बज रहे लगभग 8:15, मतलब 1.25 घंटा लग गया हमें आने के लिए। पर ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल कम ट्रैफिक था, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं था, बहुत कम ट्रैफिक था कंपेरेटिवली बाकी के दिनों में जितना होता है। पता नहीं क्यों आज छुट्टी वुट्टी था क्या क्या पता नहीं, बट आज ट्रैफिक बहुत ही कम था। चलो अच्छी चीज़ है, कुछ बुरा नहीं है, उसके अंदर ट्रैफिक कम रहेगा तो अपने लिए फ़ायदा ही है। अभी कल तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। फाइनली भाई साहब खा नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया, अभी खाने के लिए कुछ बना रहे हैं। तो मैं लाने आने के टाइम पे ब्रेड लेके आया था, तो अभी अंडा ब्रेड बनाएंगे, एक पिज्ज़ा वैसे उसको भी बना देंगे और सैंडविच छोटा मोटा। ये सब सामान अभी निकाल के रखा हूँ, बटर वगैरह भी है, एक चीज़ का मेरे पास सिर्फ एक ही स्लाइस बचा है अभी, तो ठीक है घर में एक ही था, चलता है इतना उतना चलता है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालने वाला हूँ, बस थोड़ा ऑलिव्स वगैरह डालूंगा और ये डाल दूंगा प्याज डाल दूंगा, कैप्सिकम है शायद से तो वो थोड़ा सा डाल दूंगा, हो जाएगा अपना पिज्ज़ा रेडी। एक पिज्ज़ा, 2-3 सैंडविच, बस आज का पेट भर जाएगा, कल का कल देखेंगे दोस्तों। चलो अभी बनाना चालू करता हूँ। ये देख लो भैया जी, एकदम परफेक्ट चीज़ी पिज्ज़ा बन चुका है अपना, कम से कम टॉपिंग्स डाले थे, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था और चीज़ भर भर के ऑब्वियसली। तो अभी इसको निकालते हैं पहला, अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। जला बिल्कुल नहीं भाई सब, देखो प्रॉपर एकदम प्रॉपर बेक हुआ है, परफेक्ट बनाने का आइडिया मिल गया अभी इसको। ओवन में कैसे बनाना है ना वो तो सबको पता है, लेकिन विदाउट ओवन कैसे बनाना है ना वो मैं आपको बता दूंगा। एकदम सिंपल तरीका है यार, लेकिन क्या बेस्ट बना है, मार्क कसम। अल्टीमेट लेवल का टेस्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना बढ़िया टेस्ट है। मतलब मैं पिज्जा हट वगैरह पे भी खाऊंगा ना, इतना अच्छा पिज्जा नहीं बन पाएगा, इतना सही बना है। फाइनली भाई साहब अपना सब सैंडविच रेडी है, आखिरी वाला सैंडविच अभी उतार रहा हूँ, ये वाला आ गया, 3 सैंडविच 1 पिज्जा, पिज्जा तो खत्म हो गया। अभी खा रहा हूँ एकदम फसला, थोड़ा ठंडा हो गया, एसी चल रहा है ना उसके चक्कर में, अभी ये गैस बंद हो गया, गैस पहले बंद करना चाहिए भाई। चलो भाई सब बंद, अभी खुल के खाएंगे, अभी खुल के घोड़े बेच के सोएंगे, उन्हें सब उठाना पड़ेगा पहले। जाके खाते हैं अभी, बाकी का सब बाद में देखेंगे। पंखा बंद कर देता हूँ यार,
ठंडा हो जाएगा सुबह, इसी एसी चल रहा है। अभी बज रहे लगभग रात के 10:45, बहुत लेट हो गया, बट अपनी तो आदत है लेट खाने की। ये देख लो भाई साहब अपने सैंडविचेस, तीन तीन। मुझे सॉस पसंद नहीं है सैंडविच के साथ, इसलिए मैं कभी सॉस प्रीफर नहीं करता, टोमेटो सॉस मेनली। हाँ, अगर क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया उसका नाम, मेयोनीज़ अगर रहता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर इसका टेस्ट अगर अच्छा नहीं रहा तो मेयोनीज़ के साथ खाऊंगा, नहीं तो फिर नॉर्मली। पिज्जा तो अल्टीमेट बना ही है, सैंडविच ट्राई करते हैं। फूल अभी भी गर्म है। मैंने सिंपली इसमें क्या किया, ब्रेड को बटर के साथ मस्त गर्म किया है, एक सैंडविच स्प्रेड था उसको एक ब्रेड पे लगा के उसको सिर्फ बैक साइड से हीट किया और उसके ऊपर हाफ बॉइल डाल दिया। अभी इसको टेस्ट करते हैं। वाह यार, मास्टर शेफ बन जाना चाहिए मुझे तो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And